तो गाइस वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में देखने वाले हैं कैसे आप कलरफुल मैप बना सकते हैं। जैसे कि आप नॉर्मली हमेशा ग्रीन कलर में मैप बनाते हैं, जो नॉर्मली मैप होती है, तो आप इस वीडियो में देखने वाले होंगे कि आप कैसे कलरफुल मैप बना सकते हैं। जैसा कि आप इस वेबसाइट में देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर इसका कलर चेंज कर दिया। तो आपको वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव लगेगा और मेक श्योर आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब कर दिया होगा। एंड तक देखिएगा क्योंकि मैं इसको कंप्लीट आपको बताऊंगी कैसे आप मैप को बहुत आई कैचिंग और अट्रैक्टिव कलर लगा सकते हैं, कैसे आप मैप का कलर चेंज कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो आपको अपने पेज में आ जाना है जिस पेज में आप मैप लगाना चाहते हैं, और उसको आपको एडिट विद एलिमेंटर पर क्लिक कर देना ताकि आप एलिमेंटर से उस वेबसाइट के पेज को एडिट कर सके। तो अभी हम लोग अबाउट अस पेज में हैं और मैंने यहाँ पर देखिए ये मैप लगाया। तो मैं यहाँ पे स्टार्टिंग से मैं अपना बनाना स्टार्ट करती हूँ। तो आपको यहाँ पर प्लस आइकन पर क्लिक करना है और ये बटन पर क्लिक करना है। देन आप इस प्लस आइकन पर क्लिक करेंगे और यहाँ से आपको गूगल मैप ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है। ये यहाँ पर मैप ऐड हो जाएगा। आपको हाइट कर देना 400 या जितनी आपको नीड है आप उतना कर सकते हैं। मैं यहाँ पर मैनुअली 400 कर देती हूँ और एड्रेस आप अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। अभी हमारी जो मैप इस तरह दिख रही है, उसको अगर आप चाहेंगे तो फिर विद में कर सकते हैं, कंटेंट फुल विथ, और यहाँ पर कॉलम गैप नो गैप। और आप देख रहे हैं कि ये साइड में हमें गैप दिख रही है। देखिए ये गैप दिख रही है हमारे साइड में। ये क्यों दिख रही है? क्योंकि हमारे डिफॉल्ट थीम के अकॉर्डिंग हमारा ये मैप या हमारा जो लेआउट क्रिएट हुआ है, उस लेआउट को चेंज करने के लिए आपको सेटिंग में आना पड़ेगा और पेज लेआउट को चेंज कर देना है इसमें एलिमेंटर फुल विड्थ में। तो ये जो हमारी वेबसाइट होगी वो फुल विड्थ में चेंज हो जाए। इससे क्या होता है कि आपका जो भी गुटेनबर्ग में क्रिएट किया हुआ, एडिट किया हुआ जो भी चीज़ है क्या होगा, चेंज हो जाएगा। ओके, तो अभी हम उसका जो है इस मैप का कलर चेंज करते हैं। तो इसके पहले आपको इस पेंसिल आइकन को क्लिक करना है, मैप का ये जो पेंसिल आइकन है क्लिक करना है। आपको स्टाइल पे आ जाना है। स्टाइल पे आने के बाद आपको CSS फिल्टर पर क्लिक करना है। जैसा कि आप देख सकते हैं सारे नॉर्मल कलर। अगर आप चाहते हैं कि इसी ग्रीन कलर को और ज़्यादा आप सेचुरेटेड हाई करना चाहते हैं, अगर चाहते हैं ब्लैक एंड वाइट, तो आप ब्लैक एंड वाइट मैप क्रिएट कर सकते हैं। सेचुरेशन को पूरा आपको 0 कर देना है। अगर आपको चाहिए कि ये और ज़्यादा ब्राइटनेस दिखे तो आप इसको और हाईलाइट कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा ही हाईलाइटेड और बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखेगा आपको। देखिए तो हम ये नहीं करेंगे, मैं आपको दिखा दूँ आप कैसे इनको यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो 100 था आपको 100 कर देना है। आपको क्या करना है, जो से वो ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना, लाइक उसको आपको या आप उस कलर में रख सकते हैं। जैसे कि ये मैं कलर रख सकती या मैं यहाँ रख सकती हूँ। इसको आप ड्रैग करेंगे इस तरह से। आपको समझना है कौन सा मुझे कलर चाहिए, कौन सी अच्छी लग रही है। तो मैं यहाँ पर ग्रीन जो लाइट ग्रीन टाइप की दिख रही है वो मैं रख सकती हूँ। यहाँ पर जो कलर आपको पसंद है वो यहाँ रख सकते। सो इस तरह से आप जो है किसी भी मैप को ले करके उसके कलर को आप चेंज कर सकते हो। सो गाइस आपको ये वीडियो बहुत बहुत पसंद आया होगा। अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताएं, और ये वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दें, और सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि मैं एलिमेंटर और वर्डप्रेस रिलेटेड वीडियोस लाती रहती हूँ। टिल नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बी कंसिस्टेंट एंड बी अर्निंग।